बाढ़ का घटना हो, चाहे बांध टूटने का घटना हो, सभी घटना में नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बगैर समाज के नेतृत्वकर्ता के, बगैर पंचायत से लेकर ऊपर तक कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती। बिना नेता के हर घटना की मैं की भूमिका नेताओं की होती, योगदान। दंगा बगैर नेताओं के हो ही नहीं सकता। अभी तक अपराधियों का की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जम्मू के अपराधियों की, इस संबंध में आप कोई पहल करेंगे? इसके पहले भी हम आए थे, अपराधी जेल भी गए और फिर बाहर भी आ गए। आपने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया इस बिंदु पर? भैया अधिकारी तो मिल करके पैसे लेकर के नेता केस फाइनल कराता है, चार्जशीट कमजोर कराता है और बेल करवाने का मौका देता है। जब चार्जशीट कमजोर होगा डायरी में कुछ नहीं रहेगा। पूरे बिहार में सर आप बिगुल फुके हुए हैं, मीडिया बता रही है, हम लोग भी जानते हैं, जयनगर के लिए आपका क्या विचार होगा सर? तो जयनगर की जनता, मैं अपने जिला अध्यक्ष से ब्रजकिशोर जी से, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, युवा शक्ति के अध्यक्ष, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, यहाँ के मुखिया जी, यहाँ के प्रमुख जी से आग्रह करूँगा कि आपको एकमात्र यदि अमन और खुशहाली नहीं बचेगी तो आपका जयनगर नहीं बचेगा, आपकी राजनीति चौपट हो जाएगी। यहाँ के अपराधियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता, बहुत बड़ी लड़ाई। आपको याद होगा मैंने यहाँ से वादा किया था जयनगर से अंत्योदय चलाने, याद है आपको? जी याद। कि भूल गए? नहीं याद है। ये पप्पू यादव की देन है, वो लेटर मेरे पास है जो मैंने प्रधानमंत्री से यहाँ से अंत्योदय चलाने की मैंने मांग की थी, और मैंने कहा था कि जयनगर से सीधा पटना दिल्ली अंत्योदय चलेगा। मैं अपने वादे पर जयनगर को मैंने सौगात दिया और वो चिट्ठी मैंने मधुबनी के सभी रिपोर्टर को भेजा था, और डीआरएम ने कहा इस बात को कि पप्पू यादव, उस दिन मुझे यहाँ आना था लेकिन हम नहीं आ पाए, हमको मंत्रालय में ही रहना पड़ा रेलवे मंत्री के पास। तो जयनगर के प्रति कितना संवेदनशील है हम, कि आप इस से पता चल सकते हैं कि जयनगर नेपाल को भारत के मुख्य स्रोत में जोड़ने के लिए मैंने 3 ट्रेनें चली है, जिसमें एक ट्रेन बिहार में मात्र एक ट्रेन चली है अंत्योदय, जो जयनगर को मैंने चुना। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जयनगर में अपराध और अपराधियों को खत्म करना ही एकमात्र लक्ष्य होगा जन अधिकार पार्टी। स्पेशली जयनगर पर फोकस करेंगे सर? हम तो फोकस करेंगे पूरे बिहार में, घटनाएं होती जा रही हैं, हम फोकस करेंगे पूरे बिहार और मधुबनी पर, लेकिन हमारी पार्टी जयनगर में अपराध और अपराधियों को खत्म करने में कोई आंदोलन में कसर पीछे नहीं हटती, ये मैं आपको घोषणा करके जाता हूँ। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन, पप्पू यादव की जो अपा अपने आप का अपनी पार्टी का झुकाव किस ओर देख रही है? बिहार और बिहारी की ओर। हमारी 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 लड़ाई रोजगार के लिए, युवाओं के, मेरी लड़ाई एजुकेशन के सवाल पर, मेरी लड़ाई हेल्थ और एजुकेशन को नेशनलाइजेशन करने के सवाल, मेरी लड़ाई बीएचयू के लिए, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, परदुमन ठाकुर के लिए, परदुमन ठाकुर की लड़ाई कौन लड़ा? पप्पू यादव। परदुमन ठाकुर को जब मार दिया गया लैंड इंटरनेशनल में, इसी मधुबनी सबसे पहले पहुंचे जी, पारस हॉस्पिटल में बच्चों को, गोल्ड मेडलिस्ट लड़कों को, मेरी लड़ाई है इन बिहार और बिहारियों को समाप्त करने वाली सरकार नीतीश कुमार जी के पास सब्जेक्ट नहीं, बिहार के दिल्ली के सरकार के लिए सब्जेक्ट नहीं, बिहार के लिए नीतीश कुमार जी भूल गए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार भूल गए बिहार का विशेष पैकेज का दर्जा, नीतीश कुमार भूल गए कि 2 लाख मजदूर हर दिन प्लान करता है बिहार से, नीतीश कुमार भूल गए नदियों का गाद, नीतीश कुमार भूल गए भीमनगर बैरेज और फरक्का का निर्माण,
मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार को, यदि और नरेंद्र मोदी जी हम डिमांड करते हैं, यदि बिहार के लिए आपको कुछ करना हो तो पहले हमें बाढ़ से मुक्ति दिलाइए। बिहार के लिए आपको कुछ करना हो तो फरक्का का निर्माण करिए। 86.8% घाट को निकाले बगैर मिथिला कोसी सीमांचल का एक इंसान नहीं बचेगा। ये नदी को नासूर बना दिया नेताओं ने, लूटा। मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट बिहार में किसी का नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन, जो आप देखे होंगे कुछ दिन, दो तीन दिन पहले भारत टीवी ने क्या कहा, एक कॉलेज में 3 प्रोफेसर नहीं है और प्रिंसिपल नहीं है। ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है? मेरा सब्जेक्ट है ये, मेरा सब्जेक्ट है बिहार का रोजगार, बिहार के पलायन को रोकना। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। इसके लिए 9 तारीख को हम युवाओं को बुलाए हैं,